नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज 3 अक्टूबर है। अगर हम इस परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं को देखें तो पहला ये है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो ज़्यादातर हिस्से उत्तरी अरबियन सी, इसके अलावा ज़्यादातर हिस्से गुजरात रीजन के, कुछ हिस्से पश्चिम मध्य प्रदेश के और उत्तराखंड के, बचे हुए हिस्से सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के, और कुछ हिस्से पश्चिम उत्तर प्रदेश से विदाई ले लिया है। अर्थात इन सब जगहों से, जैसे हमने बोला, मानसून की विदाई हो गई है। इसके अलावा एक लो प्रेशर एरिया आज बन गया है सुबह 8:30 बजे वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी और उसे आसपास, और ये आने वाले 2 दिनों में जो है मूव करने की संभावना है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स। इसके अलावा इंटेंस रेनफॉल यानी कि भारी वर्षा का दौर जारी हो सकता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से 5 अक्टूबर से, और उसके बाद लगातार 2-3 दिनों तक अच्छी वर्षा मिलने की संभावना है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा भारी वर्षा जो है ज़्यादातर हिस्सों में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में एक दो स्थानों पर आने वाले 3-4 दिनों में देखने को मिल सकती है। इन मुख्य बिंदुओं के साथ आइए हम देख लेते हैं पिछले 24 घंटे में बारिश क्या रही। उससे पहले ये विड्रॉल लाइन हम दिखा देते हैं कि 3 अक्टूबर की जो लाइन है ये ग्रीन लाइन हरी लाइन, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपकी आज की विड्रॉल लाइन है। इसी तरीके से मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से आज मानसून की विदाई हो गई है। आइए अब देख लेते हैं पिछले 24 घंटे में वर्षा कहाँ भारी वर्षा हुई है। तो भारी वर्षा 7 सेंटीमीटर से लेकर के 11 सेंटीमीटर के स्तर की वर्षा उड़ीसा, झारखंड, मेघालय, त्रिपुरा और केरला माहे में देखने को मिली है। केरला माहे में पलाकड़ डिस्ट्रिक्ट में 11 सेंटीमीटर के साथ ही अन्य स्थानों पर भी 9 से 11 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया वायनाड आदि डिस्ट्रिक्ट में, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में 11 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के स्तर की वर्षा दर्ज की गई। त्रिपुरा अगरतला में 8 सेंटीमीटर, उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जमसोल घाट में 7 सेंटीमीटर, इसके अलावा झारखंड में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में 7 सेंटीमीटर और मेघालय के चेरापूंजी में 7 सेंटीमीटर वर्षा कल देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम देखें आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स को तो आप देख सकते हैं जो कल का पश्चिम विक्षोभ था वो मूव कर गया है, दूर चला गया है भारतीय रीजन से, लेकिन एक आज नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिम विक्षोभ देखने को मिल रहा है पाकिस्तान और उससे सटे हुए अफगानिस्तान के आसपास। इसके अलावा ये लो प्रेशर एरिया, जैसे कि हमने पहले भी बताया है हाइलाइट्स में मुख्य बिंदुओं में, तो ये आपका वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास लो प्रेशर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ से एक ट्रफ लाइन जो है बांग्लादेश की तरफ जा रही है और जिसका विस्तार जो है मध्य क्षोभ मंडल तक देखने को मिल रहा है। इन्हीं के प्रभाव में हम फॉरकास्ट वार्निंग एंड पूर्वानुमान और चेतावनियों को देख लेते हैं। तो फेली वाइडस्प्रेड से वाइडस्प्रेड हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा और भारी वर्षा एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। उड़ीसा में 3 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर के बीच में, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 3 और 4 अक्टूबर को, बिहार में 3 से 5 अक्टूबर के बीच में, पूर्वी मध्य प्रदेश में 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में, और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर को, छत्तीसगढ़ में 4 से 6 अक्टूबर के बीच में। इसके साथ ही साथ भारी से अति भारी वर्षा भी एक स्थानों पर बिहार, सम्मेलन पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में 4 अक्टूबर को देखने को मिलने की संभावना है। इसके अलावा फेली वाइडस्प्रेड से वाइडस्प्रेड हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा और भारी वर्षा एक दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ देखने को मिल सकती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 6 और 7 अक्टूबर को, और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में 5 से 7 अक्टूबर के बीच में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 से 7 अक्टूबर के बीच में। इसके साथ ही साथ भारी से अति भारी वर्षा उत्तराखंड, नॉर्थ पश्चिम उत्तर प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर को, और इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 से 7 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा भी एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है उत्तराखंड में और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर को। इसके अलावा फेली वाइडस्प्रेड हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा और एक दो स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ तटीय आंध्र प्रदेश में आज से 3 दिनों के बीच यानी कि 3 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर के बीच में, और केरला और माहे में आज 3 अक्टूबर को, और तेलंगाना में 5 और 6 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ फेली वाइडस्प्रेड हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा और उसके साथ ही साथ भारी वर्षा एक दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ देखने को मिल सकती है अरुणाचल प्रदेश में 5 से 7 अक्टूबर के बीच में, असम, मेघालय में 3, 4 और 7 अक्टूबर को, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा 3 और 4 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं ग्राफिक्स फॉर्मेट में भी मैंने दिखाया है, तो आज आप देख लीजिए, आज हमने कहीं पर भी ऑरेंज कलर नहीं दिया है क्योंकि आज भारी से भारी वर्षा की संभावना कम है। लेकिन कल जो है हमने नारंगी रंग ऑरेंज कलर जो है उड़ीसा और बिहार सब वाले पश्चिम बंगाल को दिया है क्योंकि वहाँ भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। 5 अक्टूबर को भारी वर्षा की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और 6 तारीख को भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर दर्शाया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। इसके साथ ही साथ 7 तारीख को एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि अत्यंत भारी वर्षा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, अभी हमने वहाँ पर नारंगी रंग दिया हुआ है, और पूरी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है 7 अक्टूबर को। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारे आइलैंड की अगर बात करें तो अंडमान में 5 से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में भारी वर्षा एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से ये आज की जानकारी है, कल हम फिर आपके साथ अपडेटेड जानकारी साझा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।